अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने। ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब देखिए, अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, यह अभी काम शुरू हुआ है, यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो।
अग्निवीर। अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमें इतनी शक्ति दी, और ये सिर्फ आपने, ये आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था। और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं।